गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। आज है मंडे मॉर्निंग और समर वेकेशन चल रहा है ना, तो मंडे मॉर्निंग भी इतना बिजी नहीं लगता। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं सुबह लेट से उठूँ, क्योंकि अगर मैं सुबह लेट से उठती हूँ तो मेरा पूरा दिन खराब जाता है। इसलिए मेरा एक स्मूथ डे का मूल मंत्र ही है कि मुझे सुबह सुबह उठना है। तो 6 o'clock तक मैं नीचे आ जाती हूँ, 5:45 उठ जाती हूँ, फ्रेश एंड ऑल होके 6 o'clock नीचे आके और हल्का सा वर्कआउट किया, फिर लेमन वाटर पी के रोज के डेली काम स्टार्ट हो जाते हैं। और मेरे साथ ये भी उठ जाता है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसकी भी सुबह सुबह मॉर्निंग हो जाती है, गुड मॉर्निंग हो जाती है। दीदी अभी तक सो रहे, आप उठ गए? ओके, चलो मम्मा ब्रेकफास्ट बनाए। चलो आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ वर्मिसली। इसकी रेसिपी पहले भी काफ़ी बारी दिखा चुकी हूँ मैं, और फिर भी आप लोगों के ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सुची इसकी रेसिपी दिखाना, जबकि मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। तो आप लोग मुझे बताना, क्या मैं ऐसा सेपरेट वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं सारे ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करूँ आपसे, जो मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बनाती हूँ, तो आपको एक ही वीडियो में फिर सारे रेसिपीज मिल जाएंगे। तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप चाहते हो कि मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ ओनली फॉर ब्रेकफास्ट। कल से गला थोड़ा सा ना दुख रहा है, तो मैं सोच रही हूँ तुलसी के पत्ते डाल लेती हूँ चाय में। और यहाँ ब्रेकफास्ट हो गया है बिल्कुल रेडी, और यहाँ उबल रही है चाय। लंच की भी तैयारी साथ साथ करूंगी, और आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ शाही घिया। नाम सुना है कभी आपने पहले? ये आप उस इंसान को खिलाना जिसे घिया बिल्कुल नहीं पसंद है, और उसे बताना मत, फिर देखना वो कितने स्वाद ले लेके खाएगा, क्योंकि मैं भी वो इंसान हूँ जिसे घिया बिल्कुल नहीं पसंद, बट मुझे ये वाली सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो जस्ट घिये को पहले बॉयल कर लूंगी, प्रेशर कुक कर लूंगी नमक और हल्दी डाल के, और मसाला अलग से बनेगा। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले जिंजर गार्लिक और अनियन को अच्छे से फ्राई करना है। सारे रफली चॉप किए हैं मैंने, क्योंकि बाद में इसको पीसना ही है। जब जिंजर गार्लिक अनियन अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फिर इसमें डालेंगे टमाटो, एक टमाटर डाला है मैंने, कैशनट, काजू मैंने थोड़ी देर सोक करके रख दिया था उसको भी ऐड करेंगे, और जब ये मसाला अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर उसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए, और फिर इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। सेम पैन में थोड़ा सा बटर डाला है और साथ में ऑयल भी डाला है, और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर इसमें डालेंगे पेस्ट। ये ऑलरेडी कुक्ड ही है इसलिए थोड़ी देर बस इसको फ्राई कर लेंगे, और घिया बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो गया है,
और मसाले में मैं डालती हूँ बटर चिकन मसाला. डोंट वरी, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स वेजीज ही हैं. आप जब पनीर बटर मसाला बनाते हो तब भी आप ये मसाला यूज़ करना, बहुत ही डिलिशियस बनता है. बस सॉल्ट और ये मसाला, और मैं कोई भी स्पाइसेस नहीं डालती हूँ इसमें. लास्ट में थोड़ा सा कश्मीरी चिल्ली पाउडर डालेंगे, इससे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है. और ये मसाला अच्छे से फ्राई हो गया. अब इसमें घिया ऐड कर देंगे. घिया भी कुक्ड है, मसाला भी कुक्ड है, तो ज़्यादा देर इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है. हल्का सा मिक्स करेंगे और बस लास्ट में डालेंगे क्रीम और खूब सारा कोरिएंडर लीव्स. दीदी टीच यू? हमेशा ने केवश को ब्रश करना सिखाया कि ऐसे ई करो ई करो, तो मुझे आके बोलता है दीदी टीच मी, मैंने ऐसे किया ऐसे किया. आजकल बहुत लेसन सिखा रही है ये शा केवश को, टीचर बनती फिरती है. नहाना एंड ऑल हो गया है मेरा. आजकल जब मॉर्निंग टाइम में इन दोनों का टीवी टाइम होता है ना, और 45 मिनट्स का मैं अलार्म लगाती हूँ, मैंने पहले भी बताया था. आप लोगों में से भी काफी लोगों ने ये अलार्म सिस्टम ट्राई किया अपने बच्चों के साथ और उनके लिए ये वर्क कर रहा है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों का स्क्रीन टाइम रेस्ट्रिक्ट करने का. तो जब भी इन लोगों का टीवी टाइम चलता है तो आजकल क्योंकि दोनों होते हैं तो मुझे टेंशन नहीं होती कि बाहर चले जाएंगे या कुछ, क्योंकि ये शायद रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं फटाफट से नहा लेती हूँ. बट जब केवश के साथ अकेले होती थी ना मैं समर वेकेशन के पहले, फिर मेरे लिए मॉर्निंग में नहाना मुश्किल हो जाता था क्योंकि अकेले मैं उसको डाउनस्टेयर्स नहीं छोड़ सकती. यहाँ पे जो छोटा वाला टेबल रहता था ना, वो मैं डाउनस्टेयर्स ले गई थी प्लांट्स एंड ऑल रखने के लिए, और वैसे भी वो यूज नहीं हो रहा था यहाँ पे क्योंकि ऐशा स्टडीज एंड ऑल डाइनिंग टेबल पे ही करती थी, क्योंकि मेरे लिए भी इजी हो जाता है कि मैं किचन में काम करते करते उसको पढ़ा देती हूँ. तो मैंने सोचा पियानो यहाँ रख देती हूँ ताकि ये बेड साइड में काफी स्पेशियस हो जाएगा. और बेड साइड पे मैंने इनका किचन रख दिया है और छोटा वाला चेयर, तो ये वाली जगह काफी स्पेशियस हो गई है. अभी चल रही है टॉयज की सॉर्टिंग. एक्चुअली पहले ना मैं सब कुछ सॉर्ट करके रखती थी, पर्टिकुलर टॉयज पर्टिकुलर बिन में रखती थी, पर जब से समर वेकेशन हुआ है ये लोग दिन भर प्ले करते हैं, फिर मैं इवनिंग को दोनों को काम पे लगाती हूँ कि प्ले रूम पूरा क्लीन होना चाहिए. तो ये लोग क्लीन तो कर देते हैं बट टॉयज लेके कहीं भी रख देते हैं, और इससे क्या होना सब कुछ मिक्स हो गया है और उनको कुछ भी नहीं मिलता है फिर जब उनको प्ले करना होता है किसी पर्टिकुलर टॉय से. ये शायद तो फिर भी ढूंढ लेती है बट केवश फिर इरिटेटेड हो जाता है कि मुझे ये नहीं मिल रहा मुझे वो नहीं मिल रहा. तो मैंने बोला चलो मैं आज बैठ के थोड़ा सॉर्ट कर दूँ ताकि उन लोगों को चीज़ें ठीक से मिल जाए. इसीलिए ना मैं सुबह ही लंच एंड ऑल बना के रख देती हूँ कि दिन भर का पूरा टाइम मिल जाएगा, क्लीनिंग हो जाएगी, और भी छोटे छोटे काम होते हैं तो वो सब हो जाएंगे और इन लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करना हो जाएगा. पता है ये वाला कीबोर्ड ना मेरा था जब मैं अराउंड थर्ड या फोर्थ ग्रेड में थी, तब मम्मी पापा नेपाल गए थे. मेरे मामा जी का ससुराल है नेपाल में, तो वहाँ वो लोग घूमने गए थे, वहाँ से लेके आए थे और अभी तक ये चल रहा है. इसे येशा ने प्ले किया, अब केवश प्ले करता है. इसमें बैटरी भी था और प्लग पॉइंट भी था, तो प्लग पॉइंट वाली चीज खराब हो गई है बट बैटरी पे ये अभी भी चलता है. अच्छा लगता है ना जब आपके बचपन की चीजों से आपके बच्चे भी प्ले करते हैं. ये
ये सारे सॉर्ट हो गए हैं, इसमें सारे एनिमल्स हैं, इसमें बिग वाले ब्लॉक्स, इसमें छोटे वाले ब्लॉक्स है जैसे क्यूश को खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें सारे कार्स एंड ट्रक्स, इसमें पॉ पेट्रोलर्स कुछ एक नीचे रखे हुए हैं वो डालूंगी, ये येशा के पजल्स हैं और ये येशा के छोटे वाले लेगोस, ये थोड़ा मिक्स बिन है, इसमें किचन टॉयज भी हैं और कुछ केयूश के फेवरेट टॉयज हैं, और ये ट्रेन ट्रैक्स, और इसमें है कुछ फ्रूट्स एंड स्टेशनरीज, ये भी मिक्स्ड हैं। तो बस अब डाल दिया जाए। और ये है एक्स्ट्रा टॉय, इस वाले बिन को मैं हटा के रख दूंगी, और काफी टाइम बाद उनको जब ओल्ड टॉयज दिखते हैं ना, फिर वो उससे इतने अच्छे से प्ले करते हैं एज इफ वो न्यू टॉयज है। तो इसको टॉय रोटेशन बोलते हैं, ये स्कूल्स और प्री स्कूल्स में काफी यूज होता है और बच्चों के लिए ये काफी इफेक्टिव है। और ये है गार्बेज, और मेरे पास ना थोड़ा बेसन का घोल रखा हुआ था, तो मैंने बैगन डिप करके और बच्चों के लिए मैंने आलू कद्दूकस कर लिया और बेसन में उसको मिक्स करके और ऐसे छोटे छोटे हल्के से सॉटे करके पकौड़े टाइप्स बना दिए, बहुत ही अम्मी लग। ऐसे करके घिया बनाओगे ना तो पक्का है कि बच्चे भी खा लेंगे। अभी अभी लंच फिनिश हुआ है और बस अब डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट, सुबह से लेके रात तक बस खाना खाना और खाना, लाइक बनने में कितना ज्यादा टाइम लगता है ना खाना, और खाने में अभी खाओ अभी खत्म। अनुज ने ना मेथी अच्छे से धो के कट करके और ऐसे पेपर नैपकिन में रैप करके फ्रिज में रख दिया था, ऐसे बहुत अच्छे से फ्रेश रहती है। और मेरा बहुत बड़ा काम हो गया है, मैंने जल्दी से बस आलू कट कर लिया है और फटाफट से आलू मेथी बना लूंगी डिनर के लिए। बिजी है, इसी का फायदा उठाऊं और जल्दी जल्दी डिनर बनाऊं। येशा ऊपर होमवर्क कर, अभी सारा टॉय अरेंज करके दे दिया ना, तो अभी बड़े मजे आ रहे हैं इनको प्ले करने में। अब अच्छे से रखना, ठीक है?
जो जिस बिन में जाएगा उसी बिन में डालना, ठीक है। मैं ऐसे ही करती हूँ, पूरा घर एक दिन में डीप क्लीनिंग कभी भी नहीं हो सकती, तो थोड़ा थोड़ा करके कभी एक रूम ले लिया या फिर किसी एक रूम का कोई एक पार्ट ले लिया और फिर उसको क्लीनिंग करी, और फिर धीरे धीरे एवरी डे अगर आप थोड़ा थोड़ा ऐसे ही करो ना, फिर आपका घर साफ ही रहेगा। इसलिए आप लोगों को भी मैं बोलूंगी, अगर आपके घर में भी कोई हाउस हेल्प नहीं है और आपको सारे काम खुद करना है, एक दिन में सारे काम मत करना, थोड़ा थोड़ा करके करना। हमें सुपर वुमन बोला जाता है बट हम सुपर वुमन नहीं है। अगर हम एक दिन में सारा काम करेंगे ना तो फिर बेड पकड़ लेंगे, फिर सारे काम रह जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके करो। ना मैं मॉर्निंग में उठ के ही एक बारी मशीन लगा देती हूँ कि दिन भर में जब भी टाइम मिलेगा तब ये कपड़े फोल्ड कर लूंगी। बस ऐसे ही बच्चों के बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के घर के काम भी हो ही जाते हैं। और मैं ना इसीलिए मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ कि आधे से ज्यादा काम ना मॉर्निंग टाइम में निपट जाता है, तो पूरे दिन उतना प्रेशर नहीं रहता है कि ये भी करना है वो भी करना है। फिर दिन भर धीरे धीरे अपना करते रहो, जैसे टाइम मिले वैसे कर लो, वैसे निपटा लो। कोई ऐसा नहीं होता कि अरे ये काम नहीं हुआ, ये रह गया, वो रह गया, तो इजी रहता है मेरे लिए। इसलिए सुबह उठना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मैं कर रही हूँ थोड़ा सा आराम और ऐसे ही फोन वोन पे कुछ कुछ देख रही थी, और ये दोनों अभी यहाँ प्ले कर रहे हैं। केविश बोलता है, येशा को दीदी प्लेट प्लेट, आई विल डांस, आई विल शेक शेक, आई विल डू शेक शेक। कभी कभी मूड अच्छा रहता है ना तो ऐसे दिन भर खेलते रहते हैं और बिल्कुल परेशान नहीं करते, तो आज वही वाला गुड गुड वाला डे है जब ये लोग अच्छे से प्ले कर रहे हैं और बच्चों इतना परेशान नहीं कर रहे। ओके ओके, वाओ, गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब। बाओ कर दो, कैसे करते हैं बाव, अच्छे से खड़े होके बाव करो। दीदी कैसे करते हैं? ओह वेलकम, गुड जॉब। इवनिंग के 4:30 हो रहे और सामने वाला जो चर्च है ना, जो मैंने आपको कई बार ही दिखाया है स्कूल आते जाते, उसके साथ में ना एक पार्क है, लाइक पार्क नहीं है बट वो स्लाइड्स एंड स्विंग बने हुए हैं, तो हम पहले कभी जाते नहीं थे, बट लास्ट वीक हम एक दिन गए और अच्छा है शाम के टाइम पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए ना बच्चों के साथ, और जस्ट घर का रोड क्रॉस करते ही है एक मिनट, लाइक यहाँ से घर भी दिखता है, तो हम वहीं जा रहे हैं। अभी 4:30 हो रहे हैं, धूप भी कम है, मॉर्निंग से काफ़ी धूप थी आज, तो बाहर हम निकले ही नहीं, तो शाम को थोड़ा सा बाहर भी टाइम स्पेंड करते हैं। हेलीकॉप्टर जा रही है उसके बाद है। तो ये यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। ये रहा वो वाला चर्च और ये साथ में है पार्क। काफ़ी पीसफुल सा है, कोई आता भी नहीं है, तो आराम से बस बैठे रहो, बच्चे खेलते रहते हैं और मैं रिलैक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे अच्छे से चेयर्स टाइप्स बने हुए हैं, या फिर रॉक के ऊपर बैठ जाओ तो मेरे लिए भी अच्छा सा रिलैक्सिंग टाइम हो जाता है इवनिंग का, और ये लोग यहाँ पे प्ले कर लेते हैं। और 4:30 हो रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि 5:00 अनु जाने वाले हैं, तो हम बताएंगे नहीं, वो इधर से ही जाते हैं, तो उनको सरप्राइज अटैक करेंगे। 7:00 हो रहे हैं, हम सबका डिनर हो गया, अभी भी देखो कितनी ज़्यादा लाइट है, लग रहा है दिन के
तीन चार बजे तो हम सबका डिनर हो गया है, बस हम वॉक के लिए जा रहे हैं। और केयूष आजकल नैप नहीं लेता ना, तो बहुत जल्दी सो जाता है वो आजकल। और इवनिंग में अगर हम पार्क चले जाए या वॉक के लिए चले जाए फिर ज़्यादा थक जाता है वो, और 7:30 के अराउंड ही सो जाता है, जो कि मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। और हमने ना बहुत देर वेट करी पार्क में अनुज की, बच्चों का बड़ा मन था कि सरप्राइज़ करेंगे, बट आज ही अनुज लेट हो गए, 6 o'clock तक आए, तो फिर हम घर आ गए थे पहले ही। और मेरा रात का भी सारा काम एंड ऑल डन है, जल्दी डिनर कर लेते हैं हम, तो डिशवॉशर में सारे बर्तन एंड ऑल डाल दिए हैं मैंने, बस घर जाके केयूष सो जाएगा और येशा भी सो जाती है 8:15, 8:20 तक, फिर मेरा चैन भरा टाइम स्टार्ट होता है, फिर मैं रिलैक्स करती हूँ 1-2 घंटे, 11 बजे तक सोती हूँ, उससे पहले नहीं सोती हूँ। थोड़ा टाइम तो अपने लिए भी चाहिए ना, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, इसलिए मैं आराम से 2 घंटे चैन भरा टाइम स्पेंड करती हूँ फिर सोती हूँ। Oh, बोल रहे वी आर बॉयज एंड वी आर गर्ल्स, ओके गर्ल्स रॉक। चलिए हमारी वॉक कंप्लीट हो गई है, घर आ गए हम, ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से खूब सारा लाइक दे दीजिए, कमेंट, शेयर, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे हैप्पी होम का हिस्सा बन जाइए। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। टिल देन यू टेक केयर, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज। बाय बाय।